अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं समन उस्मान। आज मैं जिस प्रोडक्ट का आपके साथ रिव्यू कर रही हूँ वो एक जार है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है ब्लैक शुगर मास्क वॉश ऑफ स्किन फूड ब्रांड है। और कहाँ का ब्रांड है ये आप देख सकते हैं कि छोटा सा करके ना इधर लिखा हुआ है मेड इन कोरिया, लास्ट में आप देख सकते हैं लिखा होगा मेड इन कोरिया, ठीक है। ये कोरियन ब्रांड है और इसके ऊपर लिखा हुआ है ब्लैक शुगर मास्क। इसको यूज़ कैसे करना है, अ स्क्रब मास्क दैट कंटेन्स मिनरल इनरिच्ड ब्राज़ीलियन ब्लैक शुगर एंड प्रमोटेड स्मूथ ग्लोइंग स्किन। अच्छा, जो ये क्लेम करता है ये इसके ऊपर वाकई में पूरा उतरता है। अब इसको यूज़ करने का तरीका लिखा हुआ है और इसको एज इट इज़ यूज़ करना है। आफ्टर क्लिनजिंग करने के बाद आपने मसाज ऑन टू डैम्प फेस, आपने क्या करना है कि अपने फेस को हल्का सा गीला करना है, ठीक है। उसके ऊपर इसको लगाना है और हल्की हल्की हाथों से, बहुत सॉफ्ट हैंड से आपने इसको जो है मसाज करना है। उसके बाद 10 to 15 मिनट्स तक आपने इसको लगा रहने देना है एंड देन आपने वॉश कर लेना है। और अगर आपको थोड़ी सी इरिटेशन हो बिकॉज ये एक ब्राज़ीलियन ऑर्गेनिक शुगर जो है उसका ब्लैक मास्क है, तो आपने क्या करना है, कोई टोनर लेके या पानी की बॉटल लेके फेस के ऊपर स्प्रे करते रहना, उससे आपको इरिटेशन और इचिंग नहीं होगी। अच्छा, क्या इससे इचिंग और इरिटेशन होती है? तो बिल्कुल होती है, बिकॉज ये आपकी स्किन को पील ऑफ कर रहा होता है और सबसे बड़ी बात डेड स्किन को, डेड सेल्स को जब उतार रहा होता है तो थोड़ी बहुत तो इरिटेशन होती है, ठीक है। अभी किस तरह की स्किन टाइप के लिए है, ड्राई स्किन हो उनके लिए तो ये बेस्ट है, इवन कि ऑयली स्किन वाले और उनकी स्किन के ऊपर ड्राई पैचेस हो तो उसको भी ये रिमूव करता है, ओवरकम करता है, स्किन को इवन टोन करता है। और जो है ये पावर स्क्रब, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है तो इसमें वाकई बहुत ज़्यादा पावर है, तो इस वजह से आप इसको रोज़ यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको मंथ में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस पावर स्क्रब को यूज़ करने के बाद आपने कोई अच्छा सा लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, ठीक है। और ये बेस्ट स्क्रब है, रिकमेंडेड है फॉर ऑयली ड्राई ओपन पोर्स, हर तरह की स्किन टाइप के लिए, ठीक है। ड्राई स्किन वालों के लिए भी ये स्क्रब बहुत बेस्ट है, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि ड्राई स्किन वाले जो है वो जब भी कोई स्क्रब यूज़ करते हैं तो उनकी स्किन के ऊपर इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, वो स्क्रब यूज़ नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बेस्ट है। हाँ, जिनकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेंसिटिव स्किन है या जिन लोगों ने अपनी स्किन को लोकल क्रीम ने लगा लगा के ख़राब कर लिया, तो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जिनके स्किन के ऊपर एक्टिव एक्नी है उनके लिए भी ये स्क्रब नहीं है, क्योंकि ये वाकई में बहुत ज़्यादा पावर स्क्रब है। आपने इसको जब भी यूज़ करना है, रात को यूज़ करना है, इसको यूज़ करने के बाद आपने कुकिंग नहीं करनी या धूप में नहीं जाना, और अगर आपने जाना भी है तो आपने सनब्लॉक लाजमी अप्लाई करना है, ठीक है। वो इस वजह से कि ये वाकई में बहुत पावर स्क्रब है, आपकी जितनी भी डेड स्किन है, डेड सेल्स है, उन सबको उतार के फेंक के एक नई बेबी स्किन आपकी स्किन के ऊपर ले आता है, ड्राई पैचेस को उठा देता है, सारे जो पोर्स के अंदर मैल डर्ट है ये स्क्रब उस सबको जो है रिमूव कर देता है। थोड़ा सा ये हार्ड है, ये स्मूथ नहीं है बिल्कुल भी, जैसे पाकिस्तानी स्क्रब्स होते हैं ना थोड़े रनी रनी, ये वैसा नहीं है, ये वैक्स की तरह का है। मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये मैंने इतना यूज़ भी कर लिया है, तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड है बिकॉज ये ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है, लेकिन जिनकी स्किन के ऊपर पिंपल्स और एक्टिव एक्नी है उनके लिए ये नहीं है, ठीक है। इस तरह का है, वैसलीन वैसलीन टाइप, जेल टाइप। आपने अपनी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करना है, अप्लाई करते सारी आपने स्क्रब को जो है अपनी स्किन के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा जो है वो स्क्रब करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने स्क्रब करना है, अदरवाइज आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी। कोरियन ब्रांड है, प्राइस इसकी जो है 2400 रुपीज़ है, पाकिस्तान से ये आपको नहीं मिलेगा। इसका मैं इंस्टा पे जो है पेज आपको शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में डिलीवर आपको कर देंगे, स्किन फूड उधर की कंपनी है जहाँ का ये स्क्रब है, बेस्ट स्क्रब है, रिकमेंडेड है। कोरियन स्किन तो हम सबको पता है कितनी अच्छी होती है, स्पेशली जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि उन लोगों का रोज़ ऐसे इन्वायरमेंट से सन टैन हो गया, इस किस्म की चीज़ों से उनका बहुत बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि ये सन टैन हो गया और जो रोज़ की डस्ट और इस सब चीज़ों को जो है आपने वीक में अगर एक दफ़ा यूज़ करना है तो उसको ये ख़त्म कर देता है, ठीक है। अब इसको यूज़ कौन सी एज की गर्ल्स ने करना है, मैच्योर स्किन के लिए तो ये बहुत बहुत बेस्ट है। इसको आफ्टर 25 या आफ्टर 20 के बाद की जो गर्ल्स हैं वो इसको यूज़ करें, टीन एज गर्ल्स या बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बेस्ट प्रोडक्ट है, रिकमेंडेड है। इससे रिलेटेड आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैंने बता दिया किस तरह की स्किन टाइप के लिए, एक्नी, ओपन पोर्स, विंटर, समर, सब, फिर भी अगर आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।